नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आज आप हैं मेरे साथ आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर चर्चा करने के लिए। साथियों, सेशन को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, अब से पहले हमने आर्टिकल 25 तक चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 25 हमने कंप्लीट कर चुके थे कि आर्टिकल 25 के अंदर दो क्लोज थे, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्टिकल 26 पे बातें करेंगे। आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमने आर्टिकल 25-2 में बताया था कि तीन चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो उन पर युक्तियुक्त प्रबंध लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं। वो क्या क्या हैं? लोक व्यवस्था, क्या क्या हैं? लोक व्यवस्था, सदाचार और तीसरा है स्वास्थ्य। मतलब इन चीज़ों को, ये जो तीन बातें, एक, दो और तीन, इनके अधीन रहते हुए, मतलब हम ऐसा काम करें जिससे लोक व्यवस्था ना बिगड़े, सदाचार बने रहे और किसी दूसरे को के स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इनके अधीन रहते हुए आर्टिकल 26 में लिखा है कि इनके अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को पहली बात क्या लिखी है कि धार्मिक कार्य और दान के उद्देश्य से के लिए संस्थाओं की स्थापना करें और पोषण करें। संस्थाओं की स्थापना करना मतलब ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, जो कार्य हैं उनको, जो फंक्शन है अपने धर्म से रिलेटेड, वो हम प्रबंध कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज अलग है कि हवन करना, मुस्लिम धर्म का अलग रीति रिवाज है, तो वो अपने कार्य का प्रबंध कर सकता है। तीसरी चीज़ लिखी है कि कोई चल है या अचल संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसका अर्जन कर सकते हैं और उनका स्वामित्व रख सकते हैं। जैसे कोई मठ हो गया, कोई मंदिर हो गया, तो इनकी अपनी एक संपत्ति है। मठ हो गया, उसकी एक अलग संपत्ति है। तो इन संपत्ति का कोई भी धर्म, जिस धर्म को मानने वाला है और उस धर्म के कार्यों में अगर कोई संस्था का निर्माण कर रहा है, दान के उद्देश्य से कर रहा है, तो चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उसका स्वामित्व रख सकता है। और चौथी बात ये लिखी कि जब हम संपत्ति, चल या अचल संपत्ति का अर्जन करेंगे, उसका विधि के अनुसार प्रशासन करेंगे। जो कानून के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है वो संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का। क्लियर? तो आर्टिकल 26 एक बार रिकैप कर लेते, क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ा है, पहली बात कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। जो व्यक्ति जिस धर्म से रिलेटेड है उस धर्म से संबंधित कार्य कर सकता है। अब वो कार्य क्या क्या है और किस किस नियम के अधीन रह के काम करेगा। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो कोई धार्मिक कार्य का प्रबंध करता है तो उसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ये काम कर सकता है। कौन कौन से काम कर सकता है? एक तो ये कर सकता है कि धार्मिक और दान के उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, पहली बात। दूसरा क्या कर सकता है कि अपने धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनका प्रबंध कर सकता है।
तीसरी बात कि कोई चल है अचल संपत्ति उसका अर्जन कर सकता है, और चौथी बात क्या है कि जो संपत्ति का अर्जन करेगा उस संपत्ति का जो कानून बने हुए हैं हमारे उनके अनुसार प्रशासन कर सकता है उस चीज का। अब ये बात तो हमने आर्टिकल 25 में पढ़ी थी, अब 25 और 26 में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल जो 25 था वो क्या था, व्यक्तिगत देता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है कोई काम। आर्टिकल 25 किस पे है? व्यक्तिगत पे। और आर्टिकल 26 किसी संगठन या समूह के विरुद्ध है। कोई समूह बनाए, जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट बना या कोई मठ का ट्रस्ट बना, उसने कोई चल संपत्ति अर्जित की, अचल संपत्ति अर्जित की, मंदिर में कीर्तन हुए, भंडारे हुए, इनका जो प्रबंध कर रहा है, मंदिर में किस प्रकार से प्रवेश किया जाएगा, किस प्र तो इस प्रकार का जो प्रशासन है संगठन के थ्रू, तो आर्टिकल 26 संगठन के थ्रू है, आर्टिकल 25 व्यक्तिगत दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 25 में दी गई है। और यहाँ पे समूह को दी गई है कि कोई कोई संगठन बना सकते हो आप, या संगठन क्रिएट कर सकते हो, संगठन का प्रशासन कर सकते हो न्याय के कानून के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है कि नागरिकों को जो संपत्ति का अधिकार था, ये जो आर्टिकल 26 में चल और अचल संपत्ति दी हुई है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो तो हमारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन धार्मिक संगठनों के द्वारा इस अधिकार को अभी खत्म नहीं किया गया है, ये वैलिड है। कौन सा अधिकार? चल व अचल संपत्ति का अर्जन, जो व्यक्तिगत अधिकार था वो खत्म हो गया है, लेकिन धार्मिक संगठनों के द्वारा अगर किसी चल या अचल संपत्ति का अर्जन किया जाता है तो आर्टिकल 26 के थ्रू वो वैलिड है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आर्टिकल 26 सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 27 की, क्योंकि काफी छोटा आर्टिकल था और समझ में भी आ गया होगा। लेकिन आर्टिकल 27 क्या है कि धार्मिक करों कि अदायगी से छूट, इसका मतलब है किसी रिलीजन से रिलेटेड टैक्स, रिलीजन से रिलेटेड टैक्स नहीं लगेगा। अब ये बात क्लियर करते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है कि संविधान में यह उपबंध किया गया कि राज्य के द्वारा, राज्य मतलब राज्य की परिभाषा हमने ऑलरेडी आर्टिकल 12 में बता दिए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति पर या किसी संगठन पर किसी धर्म विशेष को लेकर, मतलब कोई हिंदू धर्म के लेकर, कोई मुस्लिम धर्म को लेकर, कोई सिख जैन सम इन सभी धर्मों को लेकर कि कोई टैक्स या उनके कोई पोषण के लिए कि मुझे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है या मुस्लिम मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना है तो यहाँ से इतना टैक्स ले लिया जाए, तो राज्य के द्वारा राज्य की आय में किसी प्रकार के टैक्स की जिक्र नहीं किया गया, मतलब कोई टैक्स नहीं लगा सकता है किसी धर्म के विशेष प्रोत्साहन के लिए, राज्य कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगाएगा। क्लियर? लेकिन इसमें एक बात लिखी है कि अगर राज्य चाहे, राज्य चाहे तो सभी धर्मों को, विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए, सबके लिए समान, कि कोई राजकीय धन का प्रयोग करता है, जैसे हिंदू के लिए शमशान घाट बनवा दिया, मुस्लिम के लिए अलग से कोई सार्वजनिक काम करा दिया, तो इस प्रकार कोई कार्य करता है राज्य तो वो आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं होगा। पहली बात तो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा राज्य के द्वारा, दूसरी बात कि राज्य किसी धर्म विशेष के को आगे बढ़ाने के लिए, उसके पोषण देने के लिए अलग से कोई टैक्स नहीं लगाएगा, तीसरी बात अगर राज्य चाहे कि भाई सभी धर्मों को समान प्रोत्साहन देके सभी धर्मों से रिलेटेड सार्वजनिक कार्य कराए तो वो आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं होगा। एक बात और लिखी है कि राज्य से अगर किसी धर्म से जुड़े हुए कोई गैर धार्मिक कार्य, लोक संबंधी कार्य करता है, लोक व्यवस्था संबंधी कोई गैर धार्मिक कार्य करता है, राज्य लोग
राज्य ने कोई काम किया वो किसी धर्म के विपरीत हो गया, तो वो भी आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि राज्य काम करेगा सार्वजनिक के लिए। राज्य काम किसके कर लिए करता है? सार्वजनिक के लिए काम करता है। तो हो सकता है उससे किसी दूसरे धर्म को आहत पहुंचे, लेकिन उससे आर्टिकल 27 को उल्लंघन नहीं होगा। ये आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 27 को हमने अच्छे से जान लिया है कि आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि धार्मिक करों की अदायगी से छूट है। क्या लिखा गया है आर्टिकल 27 में? देखिए, धार्मिक करों की अदायगी से छूट। अब ये छूट किस प्रकार दी गई है कि राज्य किसी धर्म पर या व्यक्ति पर कोई धार्मिक या किसी धर्म के पोषण के लिए टैक्स नहीं लगाएगा। दूसरी बात, किसी स्पेशल धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा। इसके अलावा राज्य अगर कोई गैर धार्मिक कार्य करता है या कोई सार्वजनिक कार्य करता है और वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करेगा, वो किसी एक स्पेशल धर्म को ना प्रोत्साहन देगा। और अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है जो किसी गैर धार्मिक कार्य और लोक व्यवस्था के लिए बढ़िया है, तो वो आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 27 और 26 दोनों क्लियर हो गए होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है दोनों आर्टिकल। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चार आर्टिकल हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आज हमने आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 को जाना है। कल हम आर्टिकल 28 और उसके आगे जितने भी आर्टिकल हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग रिफ्लेक्शन 2.0। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिफ्लेक्शन 2.0।